नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 27 नवंबर। हमारे द्वारा पूछे जा रहे सवालों के जवाब को देखकर हमारी टीम ने यह फैसला किया है कि अब हम अपने व्यूअर्स को कुछ गिव अवे भी देंगे, जो कि इस वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से सुने। तो आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। इंडियन नेवी ने निकाली बंपर भर्तियां, बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। भारतीय नौसेना ने लगभग 400 नौसैनिकों की बहाली के लिए आवेदन की मांग की है, जिसके लिए सभी इच्छुक अभ्यर्थी 28 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं। वहीं इन पदों पर आवेदन भरने के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। वहीं इन पदों पर केवल 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2003 के बीच जन्मे सिर्फ अविवाहित पुरुष ही आवेदन भर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही साथ इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी ले सकते हैं। कल से शुरू हो चुके हैं छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसके तहत नामांकन की प्रक्रिया भी कल से शुरू हो गई है, जो कि कल तक यानी कि 28 नवंबर तक जारी रहेगी। मगर फॉर्म खरीदने की आखिरी तारीख 26 नवंबर ही थी। हालांकि नामांकन दर्ज करने की समय सीमा कल तक होगी। आपको बता दें, सारी प्रक्रिया होने के बाद विश्वविद्यालय नामांकन की आखिरी सूची 1 दिसंबर को जारी कर देगा। बिहार के इस गांव में लोगों को नहीं पड़ता प्याज की कीमत से फर्क। राज्य में प्याज की बढ़ती कीमत ने हर घर में रसोई के बजट को बिगाड़ दिया है। पटना में प्याज 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जा रहा है, मगर बिहार का एक छोटा सा गांव प्याज के बढ़ते और घटते दामों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। जहानाबाद के चिरी पंचायत के इस गांव में कोई भी प्याज लहसुन का सेवन नहीं करता है। यहां तक कि इस गांव में प्याज और लहसुन को बाजार से घर में लाना भी मना है, क्योंकि इस गांव में ठाकुरबाड़ी मंदिर की असीम मान्यता है। ग्रामीणों का कहना है कि ठाकुर जी के मंदिर में पुरखों ने उस गांव में प्याज के सेवन पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद से उस गांव में कभी भी प्याज का सेवन नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कराटे में रश्मि और प्रत्यक्षा का दिखा शानदार प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में लगभग 1200 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से बिहार की रश्मि और प्रत्यक्षा ने शानदार प्रदर्शन दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के आयोजन अध्यक्ष सिहान अविनाश कुमार ने बताया कि आयोजित की गई इस प्रतियोगिता के विजेताओं को 27 नवंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि आयोजित इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेता अरुण गोविल रहेंगे, जो कि विजेता और अन्य को पुरस्कृत करेंगे। आनंद कुमार ने दी छात्रों को सलाह। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में खास सेशन लेने पहुंचे, जहां उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया की अधिकांश समस्याओं से निपटने के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि समाज में अधिकांश समस्याएं गरीबी और अज्ञानता से आती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाए। आज होगा महाराष्ट्र की किस्मत का फैसला। कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र राजनीति में ऐसा फेरबदल देखने को मिला जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। रातों रात बदली सरकार पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, जिसके तहत आज शाम 5 बजे फडणवीस सरकार का फ्लोर टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि भाजपा अपनी सरकार कायम रखने में कामयाब होती है या शिवसेना कांग्रेस एनसीपी गठबंधन अपना बहुमत साबित कर सरकार गठन करती है। वहीं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण करने वाले अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। जमुई के युवाओं ने किया बिहार का नाम रोशन। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित हुए 17वें मिलो नेशनल एथलेटिक्स मीट में बिहार के जमुई जिले के 2 युवाओं ने मेडल जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। 1000 मीटर की दौड़ में सुरेंद्र कुमार यादव ने जहां कांस्य पदक हासिल किया, वहीं एथलीट राजकुमार गुप्ता ने जेवेलियन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेशनल लेवल पर मिली इस जीत के बाद समूचे बिहार में खुशी की लहर दौड़ रही है। अब कोई भी सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होटल परिसर में नहीं। भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने अहम निर्देश जारी किया है। जारी किए हुए निर्देश में उन्होंने बताया है कि अब कोई भी सरकारी काम, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, सेमिनार और किसी भी योजनाओं के शुभारंभ का कार्यक्रम होटल परिसर में नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी बैठक के लिए अब से सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, अधिवेशन भवन, पटेल भवन सभागार, भारतीय नृत्यकला मंदिर, प्रेमचंद्र रंगशाला, अरण्य जैसे भवनों का इस्तेमाल किया जाएगा। गंगा का विस्तार होगा राजगीर तक, नीतीश कुमार। आयोजित 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राजगीर में जल स्तर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में हम लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए गंगा नदी को राजगीर तक विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, जिससे कि राजगीर समेत यहां के आसपास के गांव में पानी की समस्या से निजात मिल सके। शिक्षकों के नवंबर महीने के वेतन भुगतान के लिए जारी की गई राशि। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों के लिए नवंबर महीने के वेतन भुगतान के लिए राशि आवंटित कर दी है, जिसके तहत कुल मिलाकर 63,91,672 रुपए की राशि जारी की गई है। इसके लिए सभी जिलों के DPO को पत्र भेजकर इस बात की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
संतोष आनंद ने खोला अपनी प्रेम कहानी का राज। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गाना गाने वाले संतोष कुमार हाल ही में पटना दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने अपनी प्रेम कहानी का खुलासा किया। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि संतोष आनंद द्वारा गाया गया गाना एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, अपनी प्रेमिका के लिए गाया और लिखा था, जब उनकी प्रेमिका उनसे बिछड़ गई थी। मगर 50 सालों बाद उसने उन्हें फोन किया था। उन्होंने अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब कुछ सालों पहले मुझे मेरी प्रेमिका का फोन आया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ही है। मुझे लगा भी नहीं था कि अब वो इस दुनिया में होगी, मगर उसकी आवाज सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो ठीक है। बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया स्तूप में आपको मिलेगी ये सुविधाएं। आज हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण के केसरिया स्तूप की। केसरिया पहले बिहार का एक बहुत ही छोटा सा गांव हुआ करता था, जो कि अब बदलकर एक कस्बा हो गया है। केसरिया पटना से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। केसरिया स्तूप का निर्माण 6वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। उन्होंने बताया था कि जब गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण के लिए वैशाली से कुशीनगर जा रहे थे, तो रास्ते में एक दिन उन्होंने यहां विश्राम किया था। समय के साथ इस पूरे स्तूप पर मिट्टी की परत जम गई थी, जिसके पश्चात एक बड़े पहाड़ के रूप में तब्दील हो गया था, जिस कारण उसके ऊपर मंदिर की स्थापना कर दी गई थी। 1998 में जब खुदाई शुरू हुई तो प्राकृतिक विभाग को इस स्तूप की जानकारी मिली। तब से लेकर अब तक इस स्तूप को निकालने का काम लगभग 70% पूरा हो पाया है। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे नीतू चंद्रा की। नीतू चंद्रा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। नीतू ने अपनी पढ़ाई भी पटना से ही पूरी की थी। नीतू ने अपने शुरुआती दिनों में ही अपनी प्रतिभा को पहचान लिया था, जिससे कि उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग और एक्टिंग के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा, जहां जानी मानी कंपनियां उन्हें अपना स्टार फेस बनाना चाहती थी। जिसके बाद नीतू ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई, जहां काफी स्ट्रगल के बाद उन्हें गरम मसाला, 1-2-4, ट्रैफिक सिग्नल, रन, नो प्रॉब्लम, अपार्टमेंट, ओए लकी, लकी ओए जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस ने निकाली रिक्तियां। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस ने LDC और UDC के 66 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों पर आवेदन भरने की शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 की डिग्री रहना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ कंप्यूटर टाइपिंग अंग्रेजी में 35 WPM और हिंदी में 30 WPM भी जरूरी होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 19 दिसंबर तक www.ccras.nic.in या फिर ayush.gov.in या फिर ccrhindia.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। सस्ते दामों में प्याज खरीदने के लिए हो रही है खींचतान। देश भर में प्याज के बढ़ते कीमत से आम जनजीवन काफी ज्यादा परेशान है। यही हाल बिहार में भी देखने को मिल रहा है, मगर बिहार में लोगों की सुविधा को देखते हुए विस्कोमान और नफेड सस्ते दाम में प्याज लोगों को मुहैया करवा रहा है। मगर प्याज लेने वालों की कतार इतनी बढ़ गई है कि प्याज की बिक्री को एसके पुरी पार्क तक ले जाकर बेचना पड़ा। तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा नेता ने दिया जवाब। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव परिवार की राजनीति से निकले नेता है। उन्हें ना तो धरातल की कोई समझ है और ना ही राजनीति की। 10 दिसंबर तक 3.19 लाख प्राथमिक शिक्षकों को मिल जाएगा उनका वेतन। बिहार सरकार ने राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों को वेतन मुहैया करवाने का निर्देश दिया है। इसके लिए सरकार ने सभी प्रारंभिक शिक्षकों को वेतन देने के लिए 789.63 करोड़ की राशि आवंटित की है, जिससे कि राज्य के कुल 3.19 लाख शिक्षकों को वेतन मुहैया करवाया जाएगा। सैयद महमूद अशरफ ने कहा दुनिया को अलविदा। जदयू के वरिष्ठ नेता सैयद महमूद अशरफ ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। खबरों के अनुसार काफी लंबे समय से सैयद महमूद अशरफ की सेहत नासाज चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने हैदराबाद में अपनी आखिरी सांसें ली। उनके गुजर जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। जगदानंद के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही एक्टिव हुए तेज प्रताप। राजनीति से दूर चल रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव अब पॉलिटिक्स में एक्टिव नजर आने लगे हैं। राजद द्वारा जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव भी राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनने लगे हैं। इसी क्रम में तेज प्रताप यादव राजद के मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर राजनीतिक कार्यक्रम का मुआयना किया। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,540 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,410 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,300 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.71 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 71.27 रुपए प्रति लीटर था। महाराष्ट्र की राजनीति पर केसी त्यागी ने दिया बड़ा बयान। जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने जारी किए गए बयान में यह कहा है कि देश में काफी समय से राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसा ही वाक्य बिहार में भी हुआ था, जब बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह ने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था। ऐसा ही कुछ मंजर अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है।
धोनी मार्च में कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी। वर्ल्ड कप के बाद से ही क्रिकेट से दूर रहे पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी अगले साल आईपीएल से पहले मार्च महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ढाका के शेर ए बंगला क्रिकेट स्टेडियम में अगले साल 2020 में होने वाले मैच के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को एक पत्र लिखकर महेंद्र सिंह धोनी को भी टीम में रखने की मांग की है। बीसीबी के मुख्य कार्यकारी निजामुद्दीन चौधरी ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर धोनी खेलने के लिए हामी भरते हैं तो प्रशंसकों और हमारे लिए यह काफी खुशी की खबर होगी कि हम महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर से विश्व कप के बाद खेलते हुए देख पाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। पछुआ हवा चलने से ठंड का असर बढ़ने लगा है। ठंड के इस मौसम में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिलेगी, मगर मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वहीं रात होते होते ठंड का असर भी दिखने लगेगा। एनआरसी मुद्दे पर अलग थलग पड़ा जदयू। एनआरसी मुद्दे को लेकर जनता दल यूनाइटेड में अलग अलग विचारधारा देखने को मिल रही है। जहां कोई एनआरसी के पक्ष में खड़ा है तो वहीं कुछ नेता इसके विरुद्ध में हैं। जदयू नेता खुर्शीद अहमद ने कहा है कि जो भारत के नहीं है उन्हें कैसे यहां रहने दिया जा सकता है, हम संविधान को मानते हैं। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने एनआरसी का विरोध किया है, उन्होंने कहा है कि पार्टी का स्टैंड एनआरसी के मुद्दे पर क्लियर है। वहीं बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि एनआरसी के मुद्दे को जदयू विरोध नहीं करेगी। रामचंद्र पूर्वे को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर बोले तेज प्रताप यादव। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राजद द्वारा रामचंद्र पूर्वे की जगह जगदानंद सिंह को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा है कि रामचंद्र पूर्वे हमारे अंकल की तरह हैं, हमारे बीच में मतभेद जैसी कोई बात नहीं है, चाचा भतीजा में कैसे किसी भी तरह का मतभेद हो सकता है। तो अब आइए बात करते हैं गिव अवे के बारे में। गिव अवे 1 के विनर की घोषणा हम लोग 28 नवंबर को करेंगे, तो आप इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखें। अब बारी आती है गिव अवे 2 के सवाल पे। अपने जिले के प्याज के भाव कमेंट बॉक्स में बताएं। प्याज की बढ़ती कीमत का मूल कारण क्या है और इससे निजात कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गिव अवे 2 को लेने के लिए सिर्फ कमेंट करना काफी नहीं होगा, इसके लिए हमारी आज की वीडियो पर भी 5000 लाइक्स होना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात हम YouTube रैंडम कमेंट पिकर से कमेंट पिक करेंगे, जिसके बाद हम जीतने वाले व्यूअर को गिव अवे के रूप में यह 16GB पेन ड्राइव मिल जाएगा। मौका ना गवाएं, आज की वीडियो को भी 5000 लाइक तक पहुंचाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि गिव अवे लेने के लिए दोनों ही बेहद जरूरी है। धन्यवाद।